दोस्तों भारतीय बाजार में सैमसंग अपना एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। दोस्तों सैमसंग की जो एम सीरीज है वो काफी पॉपुलर और काफी सक्सेस रही है। तो दोस्तों सैमसंग की जो एम सीरीज है उसमें से एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होगा और इस स्मार्टफोन का नाम रखा गया है सैमसंग गैलेक्सी M31। तो दोस्तों अगर आप भी सैमसंग के स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं स्मार्टफोन में क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा और कब तक आएगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से। दोस्तों यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन है 1080x2280 का पिक्सल देखने को मिलेगा और उसी के साथ बेजल लेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी विथ वाटर नॉच के साथ। और यहाँ पर आपको दोस्तों पिक्सल डेंसिटी 394 की PPI की दी जाएगी। डिस्प्ले टाइप IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो एक स्मार्टफोन प्रोसेसर पर ही टिका होता है। तो यहाँ पर आपको ऑक्टोकोर 2.3 GHz पर काम करेगा। उसी के साथ सैमसंग का एक्सकिनो का 9 octa-core 9611 का प्रोसेसर मिलता है। और उसी के साथ दोस्तों ग्राफिक्स आपको माली की G72 की एम को देखने को मिलेगी जो कि आपकी गेमिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों यहां पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 4GB और 6GB, 4/64 मिल सकता है, 6/128 देखने को मिल सकता है और जिसे आप एक्सपेंड करके 256GB तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर आपको कैमरे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा होने वाला 48 MP का, सेकेंडरी कैमरा आपको मिलता है 12 MP का और जो तीसरा कैमरा आपको मिलता है वो 5 MP का। तो कैमरा क्लियरिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सैमसंग अपना खुद ही सेंसर यूज़ किएगा तो दोस्तों काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। इमेज रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 8000x6000 का आपको पिक्सल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करें शूटिंग मॉडल्स की, तो कंटिन्यू शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज, HDR, ये आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। कैमरे फीचर की बात करूँ तो डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेज रिजेक्टर, टच टू फोकस, ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरे की बात किया तो दोस्तों यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बैटरी की, दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी आपको दमदार मिल रही है सैमसंग गैलेक्सी M31 में, 5000mAh का दमदार बैटरी। उसी के साथ दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बाकी 3.5 ऑडियो जैक, लाइट सेंसर, पैक्सोमीटर सेंसर, ये आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल के बारे में। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पड़ता है लगभग 14,000 से 15,000 रुपये की रेंज में और इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाता है 5000mAh का दमदार बैटरी, 6.4 इंच का एक अच्छा डिस्प्ले और साथ ही में आपको मिल जाए 48 MP का कैमरा और सैमसंग का एक्सकिनो का 9.8 octa-core प्रोसेसर। दोस्तों जो 4GB है उसकी प्राइस यहाँ पर 13,000 रुपये के लगभग होगी और जो 6GB है उसका 14,000 या 15,000 रुपये के लगभग होने वाली है। और स्मार्टफोन का जो बात करें कब तक ये आएगा इंडिया में, जनवरी के महीने में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, जनवरी या फरवरी 2020 में, ये अनऑफिशियल है, ये चेंज भी हो सकती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम कमेंट में जानना चाहेंगे। और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।